हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेबीरॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा कोरियन बेसबॉल लीग का एलजीटी वर्सेस केआईए के बीच। 10 घंटे 15 मिनट बाद ये वाला मैच खेला जाएगा, तो काफ़ी ज़बरदस्त मैच रहने वाला है भाई आप लोगों के लिए। अगर आप खेलना चाहते हैं तो इस मैच को भाई ज़रूर खेलें, क्योंकि आज वाला मैच भी इसका ही था एलजीटी वर्सेस केआईए के बीच, और काफ़ी ज़बरदस्त भी गया। तो बात करते हैं भाइयों फाइनल टीम किधर आएगी, तो लाइनअप्स की बात, तो लाइनअप्स के बाद फाइनल टीम आएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है एबीरॉक्स बॉक्सर ड्रीम इलेवन क्लब। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं इधर आप पा सकते हैं 100% विनिंग टीम हर मैच की, और ज़बरदस्त जीत सकते हैं भाई वो भी हर मैच में क्लीन स्वीप। तो ये जो मैं आपको टीम दूंगा स्मॉल लीग की रहने वाली, तो आप हेड टू हेड में लगा सकते हैं, 3 मेंबर्स में लगा सकते हैं और 4 मेंबर्स में भी लगा सकते हैं। तो बात करें भाइयों टीम की, तो टीम दिखाने से पहले मैं सबको बोलना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाइयों लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें भाई आउटफील्डर की, तो आउटफील्डर से लेने वाले पी टकर को, जिसके 16.5 क्रेडिट्स है, 158 पॉइंट्स और 52% सिलेक्शन, जो कि काफ़ी टॉप का प्लेयर है। बाकी आज के मैच में इतना कुछ खास करके नहीं गया, मतलब 0 पॉइंट या कुछ, मतलब लगभग हाँ 0 पॉइंट ही देके गया। बाकी आज की मैच में मेरी टीम में नहीं था, मुझे पता था कि ये थोड़ा करेगा ऐसा, लेकिन कल के मैच में ऐसा नहीं करेगा। और यहाँ से पी योंग टेक लेंगे, पी योंग टेक भाइयों आज के मैच में भी मतलब 8 पॉइंट देके गया और ठीक ठीक खेल लेते हैं, मतलब ना ज़्यादा बेकार बोलूँगा ना ज़्यादा बढ़िया। और नीचे से लेंगे के के ही एन सू एस सर भाई टॉप का प्लेयर है, जो कि हर मैच में चलता ही चलता है, मतलब हर मैच में 7, 14, 24, 20 पॉइंट दे के ही जाता है। बाकी यहाँ से लेंगे सी हिंग वू आज के मैच में मेरा कैप्टन था, और जो कि भाइयों क्लीन स्वीप ही आ गई और बहुत ही ज़बरदस्त क्लीन स्वीप आई इसके कैप्टन होने के कारण से। तो यही आज मेरा कारण था जीत का, तो ऐसा ही कारण रोज़ बनता है भाई और जीत का। बात करें इनफील्डर का, तो इनफील्डर से हम RMS के साथ जाएंगे, जो कि भाई ज़बरदस्त प्लेयर है, बाकी ठीक ठीक खेल लेता है। और आज का ये मेरा वाइस कैप्टन था और वो कैप्टन, ये कॉम्बिनेशन था, लेकिन अब रोज़ तो सेम नहीं करेंगे, आज कुछ आप चेंजेस देखेंगे। और यहाँ से केसन विन के साथ जाएंगे, जो कि आज का मैच खेला ही नहीं था, हाँ ये लाइनअप में ही नहीं था, लेकिन कल का मैच ये ज़रूर खेलेगा। बात करें पिचर की, तो पिचर से ले रहे हैं भाई डी गैगनोन को, जो कि भाई बिल्कुल सही रहने वाला है कल के पिचिंग सिस्टम के लिए। और बात करें भाइयों कैचर की, तो यहाँ से हम लेंगे बी जोंग हवान को, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया करता है कैचिंग। और बात करें भाइयों कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो यहाँ से हम कैप्टन रखने वाले हैं भाइयों सी हियन वुंग को, जो कि 40% लोगों को इसने कैप्टन रखा है। और बात करें भाइयों 15 के हियन सू एसआर की, तो इसलिए इसको हम वाइस कैप्टन रखेंगे, जो कि भाइयों काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन रहने वाला है इन दोनों का। बाकी अगर कुछ चेंजेस देंगे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक बार फाइनल टीम दिखाई देते हैं, मतलब ये अभी फाइनल नहीं है, ये नॉर्मल आपको लीग ज्वाइन करने के लिए टीम है। बाकी आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं भाइयों अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे। वीडियो काफ़ी छोटी है क्योंकि भाइयों हमें जल्दी जल्दी बनानी पड़ रही है, पर इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कल काफ़ी मैचेज हैं। तो भाइयों और लेट नाइट है, अभी मिड नाइट 12:17 हो रहे हैं, तो कोई टेंशन मत लेना, बाकी आपको फाइनल टीम मिल जाएगी।